हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीसी ट्यूटोरियल। आपण मानक समस्त को स्वागत जनाऊँ आउ थे। आज पे कौन पॉलिटी आम क्लास नंबर फाइव मान ना बहुत ही इंपोर्टेंट रहा क्लास टी। आज गोटे आज कौन पेन पेपर नहीं कि बसिक रुहतु मुझे जो पॉइंट कह पॉइंट केवल मार्क करके आपने पॉइंट आउट करदे तो से ही मन रही है। ठीक अच्छे, एथर ओटीईटी एवं रेगुलर हाईस्कल टीचर जोटा आम पॉलिटी के पाँच रु पाँच आम टार्गेट रोचे, तेणु से आमें मिनिमम छटा क्लास सिलेबस सारे प्रयास सर। ठीक अच्छे, आज क्लास नंबर तीन ऑलरेडी दुईटा क्लास सरी सारा। आज आम देखा कौन स्वायत्त शासन व्यवस्था केमी आमर चले तो सहीटा को आम आज देखा। चैनल जब प्रथम थर पर निश्चित भाव चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन टी प्रेस कर दिंतु, कारण आपको ओटीईटी रेगुलर हाईस्कल टीचर परलरेडी क्लास गुड़िक सब स्टार्ट सारा आपको क्लास हम ओटीईटी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक डिस्कशन हो जोटा कि बहुत इंपोर्टेंट रोक एग्जाम दृष्टि, तेणु सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु। आडियोटी जब पसंद आस गए गोटे लाइक करदेव, सांग सहित सेयार करदेव, बहुत ही इंपोर्टेंट सेसन रही भिडियोटी शेष पर्यटन देखते। चलो देखा स्वायत्त स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था कौन, प्रथम देखा स्वायत्त शासन कौन। स्वायत्त शासन कहले कौन बुझा, निजे निजर शासन चलेबा को आम कौन कह स्वायत्त शासन बुझेगा। कौन सी एक जनगोष्ठी निजे निजर शासन चलेबा को स्वायत्त शासन कह जाए मान यही शासन फल लोके देशर स्वाधीनता को उपलब्धि करती और गणतंत्र शासन विशेषत्व को बुझे था मैंने स्वायत्त शासन मान निजे निजर शासन चलेबा जोटा निजे निजर को आम शासन जदि करवा तो कौन आम जापर कि स्वाधीनता क्या कहुए मानने आम जीवन में स्वाधीनतार महत्व कौन आ गणतंत्र शासन विशेषत्व आम बुझीपार। सेकेंड पॉइंट रही आम देश में प्राय 6 लक्ष ग्राम और अनेक गुड़े सहर रही एगुड़ी को केन्द्र व राज्य सरकार को प्रत्यक्ष भाव शासन करने संभवपर नुह मानने आम गाँव में कौन राज्य सरकार कि केन्द्र सरकार डायरेक्ट कौन शासन करें कि पारे मानने तेणु से कौन करती ना स्वायत्त शासन व्यवस्था से कर तेणु यह स्वायत्त शासन व्यवस्था अनुसार आम देशर कौन सी एक गाँव में सहर से किंबा कौन सी अंचल शासन चली पारे हाँ ना केन्द्र सरकार राज्य सरकार को कंट्रोल करेंगे राज्य सरकार एमती स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था जोटा कराई से अनुसार आम ग्रामांचल सहरांचल और पंचायत एगुड़ाक सब शासन चली पारे। ठीक अच्छे, स्वायत्त शासन केते प्रकार कौन आम तले डिस्कसन करवा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए आम देशर सर्वोच्च शासन को केन्द्र शासन कहते हैं ना आम देशर सर्वोच्च शासन कौन केन्द्र शासन यार मुख्य कार्यालय कौटी अच्छी दिल्ली में अच्छे बुझेगा। राज्यर शासन व्यवस्था को कौन कह राज्य शासन कह यार मुख्य कार्यालय कौटी पाइबा आम ना राज्यर राजधानी बुझेगा। राज्यर राजधानी आम पाइबा राज्य शासन मुख्य कार्यालय। स्वायत्त शासन जरिया विभिन्न योजना करगुड़ जरिया सरकार को परामर्श दि जाए मानने स्वायत्त शासन जरिया विभिन्न योजना आम कर योजना जरिया सरकार को परामर्श दि जाए सरकार एगुड़ धारे आधार में विभिन्न जनहितकर योजना कार्यकारी कर जनसाधारण को अनेक उन्नति साधन करतापर आम सरकार को जनला से आप्रुव कर जनसाधारण उन्नति किसी कार्य से कर सरकार द्वारा विभिन्न जनहितकारी योजना गुड़िक कौन कौन पे 6 रु 14 वर्ष बयस पाई बाध्यतामूलक शिक्षा एवं विद्यालय गृह निर्माण हाँ ना यहाँ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन पड़े पे आपंकर पेडागोजी में पड़े चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी में पड़ो है कते वर्ष जाए बाध्यतामूलक शिक्षा 6 रु 14 वर्ष जाए बुझेगा। नेक्स्ट अच्छे समस्त को पानी जल जोगाण। नेक्स्ट अच्छी रास्ताघाट निर्माण और मरामती एवं स्वयं सहायक गोष्ठी को विभिन्न कार्यपाई ऋण जोगाण व आर्थिक अनुदान हाँ ना एस एस सी ग्रुप जो रोज आमर तो ऋण दे कि आर्थिक अनुदान सरकार जगह देखा। तापर नेक्स्ट आम रहा पंचायतराज आम क्या कह बुझेगा इंपोर्टेंट पंचायतराज ये आप नोट करें टी। ठीक अच्छे, पंचायतराज के स्टार्ट होगा ना 1958 मसीह बुझेगा 1958 किए करते ना बलवंतराय मेहटा कमिटी बुझेगा। इंपोर्टेंट बलवंतराय मेहटा कमिटी
एक तीन स्तर विशिष्ट स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रचलन करते बुझेगा कत स्तर तीन स्तर विशिष्ट स्वायत्त शासन व्यवस्था प्रचलन पर सरकार को सुपारिश करते ठीक अच्छे। तो नेक्स्ट पॉइंट कौन कहला बलवंत राय मेहटा कमिटी सुपारिश अनुसार गणतंत्र विकेन्द्रीकरण जरिया ग्राम स्तर में ग्राम पंचायत ब्लॉक स्तर में पंचायत समिति एवं जिला स्तर में कौन जिला परिषद गठन कर प्रत्येक को स्वाधीन भाव क्षमता प्रयोग करने को सुजोग दि जाए ठीक अच्छे। बलवंत राय मेहता कमिटी जिते बु सुपारिश करते अनुसार ग्राम स्तर में कौन कले ना ग्राम पंचायत बुझेगा ब्लॉक स्तर में कले पंचायत समिति एवं जिला स्तर में कले जिला परिषद ठीक अच्छे। देखो नेक्स्ट पॉइंट कौन कही आम देश में यही व्यवस्था को कौन कह जाए ना पंचायतराज व्यवस्था कह जाए बुझेगा आम देश में यही व्यवस्था को कहे आम पंचायतराज व्यवस्था। आम देश में स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था को दुई भाग में विभक्त कर ठीक अच्छे। स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था को कितने विभक्त कर दुई भाग कौन कौन ना ग्रामांचल स्वायत्त शासन एवं सहरांचल स्वायत्त शासन बुझेगा। ग्रामांचल स्वायत्त शासन मध्य किए किए जाते देख फास्ट ग्राम पंचायत पंचायत समिति एवं जिला परिषद ठीक अच्छे यहाँ कौन थे ग्रामांचल और सहरांचल किए किए जी पौर निगम पौरपालिका जोटा कि आम कौ म्युनिसिपैलिटी एवं विज्ञापित अंचल परिषद जोटा कि एनएससी है इतनी आम रही आम आगे देखीद स्थानीय स्वायत्त शासन को आम दुई भाग में विभक्त कले ग्रामांचल एवं सहरांचल ठीक अच्छे। ग्रामांचल किए किए जी ना ग्राम पंचायत पंचायत समिति आउ जिला परिषद और सहरांचल किए किए गले ना पौर निगम म्युनिसिपैलिटी पौरपालिका और एनएससी ठीक अच्छे। फास्ट आम देखा ग्राम पंचायत आउ यार गठन केमी है ठीक अच्छे। ग्राम पंचायत फास्ट देख ग्राम पंचायत कौन कही देख 2000 रु 10 हजार लोक बास कर ग्राम को नहीं गोटे ग्राम पंचायत गठित हुए एथिरे एक रु अधिक ग्राम थे बुझेगा जो आम ग्राम पंचायत जोटा हुए से गाँव में 2000 रु 10 हजार लोक बास कर दरकार ठीक अच्छे। से ग्राम को आम गोटे ग्राम पंचायत भाव डिक्लेयर करें कौन एक रु अधिक ग्राम मध्य आम रखिपर बुझेगा गोटे पंचायत अंडर के कते गोटे 2 3 4 5 एमती जे मैंने कौन एरिया देखिकी आम रखिपर गाँव तार अंडर में रखिपर आम राज्य में बर्तमान 6234 ग्राम पंचायत रही साबालक भोट प्रथा मध्यम ग्राम पंचायत सदस्य मानक निर्वाचन कर हाँ ना नहीं आम जो पंचायत इलेक्शन हुए 18 वर्ष रु ऊर्ध जो मान भोटर कार्ड अच्छे से डायरेक्ट भोट देकर प्रार्थी चूज कर था हाँ ना सरपंच होती ग्राम पंचायत मुख्य बुझा और ग्राम पंचायत मुख्य किए सरपंच से सीधा सड़क लोक मान द्वारा निर्वाचित हमें हाँ ना आम लोक मैंने भोट दे निर्वाचित कर ग्राम पंचायत उपमुख्य को नायब सरपंच कहते ठीक अच्छे। सरपंच को तले किए रुंत ना नायब सरपंच ठीक अच्छे से वार्ड सभ्य और सरपंच द्वारा निर्वाचित हमें नायब सरपंच का द्वारा निर्वाचित हे वार्ड सभ्य एवं सरपंच द्वारा निर्वाचित हे किए नायब सरपंच। आम राज्य पंचायत आईन अनुजाई अति बेसी 25 जन अति कम्रे 11 जन वार्ड सभ्य रहीपर बुझेगा वार्ड सभ्य केत रहीपर अति बेसी 25 जन अति कम्डा 11 जन ठीक अच्छे। तो से 11 जन कि 25 जन भितर जी थे मत अनुसार एवं सरपंच मत अनुसार आम चूज करवा क्या ना नायब सरपंच को बुझेगा नायब सरपंच को यह छड़ा हरिजन आदिवासी और महिला मैंने वार्ड मेम्बर पर स्थान संरक्षण व्यवस्था अच्छी ठीक अच्छे। वार्ड मेम्बर कौन रे ना हरिजन आदिवासी एवं महिला मैंने वार्ड मेम्बर पर स्थान रही। तो गोटे पंचायत कार्यकाल के वर्ष ना 5 वर्ष ये आम जाने मन नहीं कारण 5 वर्ष थे आम पंचायत इलेक्शन हुए मन नहीं गोटे सरपंच निर्वाचित हमें केत वर्ष ना 5 वर्ष 5 वर्ष पर कार्यकाल सरी थाए। तो ग्राम पंचायत दैनंदिन कार्य बुझापी जड़े संपादक था
से पंचायत विभिन्न कागजपत्र काम करने आय व्यय हिसाब रखते केतक पंचायत निजर चपरासी जगुआ माली और कर आदायकारी निजुक्त करते बुझेगा जन संपादक था जी कि से सब कागजपत्र बुझा सहित आय व्ययर हिसाब रखि था आते के पंचायत कारण चपरासी जगुआ माली और कर आदायकारी निजुक्त करके रखि था ठीक अच्छे ये रहा आम पंचायत गठन तेरे आम देखा पंचायत ग्राम पंचायत कार्य कौन ठीक अच्छे देख ग्राम पंचायत कार्य हूँ दुई प्रकार ठीक अच्छे ग्राम पंचायत कार्य दुई प्रकार जोटा कि बाध्यतामूलक इच्छाधीन ग्राम पंचायत कौन कौ कौ कार्य बाध्यतामूलक आम देखा फास्ट देखो प्राथमिक शिक्षा व्यवस्था को कार्यकारी करवा कौन ना गाँव में जो प्राथमिक विद्यालय गुड़िक अच्छे शिक्षा व्यवस्था को कार्यकारी करवा कौन ना कौटी ठीक से चलुचे ना नहीं कौन देखा तर बाध्यतामूलक कार्य रास्ताघाट निर्माण और रक्षणाबेक्षण करवा देखि आमर कौन पंचायत इलेक्शन होगा पूर्व कौन ग्राम गुड़िक सब रास्ता गुड़िक सब ठीक हो जाए हाँ ना कह जो व्यक्ति करेंगे से सरपंच ढड़ा होते भोट पाइबापी निश्चित भाव में ग्राम गुड़िक तरफ तार सब पुणी नुआ बन आहरी भल भाव कर हाँ ना तापर पुणी पाँच वर्ष जाए से अलरेडी तार अवस्था न था नेक्स्ट पॉइंट देखा लोक मान चिकित्सा व्यवस्था करवा हाँ ना पानी जल जोगाण करवा नलकूप और कू खोल पोखरी खनन एवं रक्षणाबेक्षण करवा जन्म मृत्यु तालिका करवा ये रोज आम बाध्यतामूलक कार्य कहार पंचायत कितु इच्छाधीन कार्य कौन ना समवाय समिति गठन करवा यहाँ इच्छा हेल्ले करेंगे ना ना पाठागार स्थापन करवा पाठागार कौन लाइब्रेरी बुझेगा मातृमंगल केन्द्र स्थापन करवा दातव्य चिकित्सालय स्थापन करवा माछ चाष कुकुड़ा चाष और पौर शिक्षा केन्द्र स्थापन करवा यहाँ हूँ आम इच्छाधीन कार्य पंचायत कितु बाध्यतामूलक ये रही आप देखिपे बुझेगा मैंने पीडीएफ जब आपको दरकार ये पीडीएफ जब दरकार टेलीग्राम पाइबे आपने टेलीग्राम को कमी जॉइन करेंगे लिंक मुझे डिस्क्रिप्शन में ठीक अच्छे टेलीग्राम लिंक में लिखी सहीटिक आपने क्लिक कर सारापर आम चैनल ओपन हो जाकि आप जॉइन करदे जॉइन कर सारापर आप पीडीएफ बुझेगा ऑलरेडी दुईटा क्लास पीडीएफ मुझे अपलोड कर सारी आज ये तीन नंबर क्लास चलिए आपको तीन टा क्लास रखा पॉलिटी देखा नेक्स्ट ग्राम सभा कौन बुझेगा ग्राम सभा कौन ग्राम पंचायत अंतर्भुक्त समस्त साबालक भोटर ग्राम पंचायत समस्त वार्ड सभ्य और सरपंच को लेकिन ग्राम सभा गठित हुए बुझेगा गोटे ग्राम सभा जोटा कि मीटिंग टाइप ठीक अच्छे जो थे कि किए किए अंतर्भुक्त हो समस्त 18 वर्ष रु अधिक साबालक प्रार्थी मैंने ग्राम सरपंच वार्ड सभ्य एम को लेकिन गोटे ग्राम सभा गठित होता है बुझेगा यही सभा सरपंच अध्यक्षता करें हाँ ना नहीं जेहेतु आम ग्राम पंचायत विषय में चलिए तो सरपंच मुख्य रही है सबुति तो सरपंच ही अध्यक्षता करेंगे यही सभा पंचायत विभिन्न उन्नतिमूलक कार्यपाई तालिका प्रस्तुत हुए ग्राम सभा गृहीत हुए प्रस्ताव गुड़िक कार्यकारी करने उपरिष्ट संस्था को सुपारिश कर दुई वर्ष दुई थर यही सभा को बस को आवश्यक बुझेगा गोटे वर्ष सभा दुई थर बसे ये सभा कौन कराए ना पे कौन कौन उन्नति आने एरिया कौन कौन कौ जिन ध्यान देवा तार गोटे लिस्ट प्रस्तुत करके उपरिष्ट संस्था को मोर कौन सुपारिश कराए उपरिष्ट संस्था किए जो कहते कौन प्रथम थी ग्राम पंचायत तपर कौन थी पंचायत समिति हाँ ना नहीं जिला परिषद से ऊपर को जो जिते बड़े नोटा जाए सहीपुर एप्रुव हो ग्राम सभा जोटा डिस्कसन होने कार्यकारी कर देखा ग्राम पंचायत आय ग्राम पंचायत आय दुईट मध्यम पाई अर्थात निजस्व आय एवं सरकारी अनुदान ठीक अच्छे निजस्व आय कौन यही आय ग्राम पंचायत हाट पोखरी गुड़िकर नीलाम शगड़ और रिक्सा इत्यादि लाइसेंस को आए और सरकारी अनुदान कौन यही अनुदान मध्यम पंचायत उन्नयनमूलक कार्य कर बुझेगा सरपंच निज कार्य अवहेला कले सरकारी आदेश बल कि पंचायत सभ्य मान द्वारा अनास्था प्रस्ताव जरिया क्षमत अंतर करदी कौन सरपंच जदि ठीक भाव कार्य न करेंगे किंवा अवहेला करेंगे तुम कौन सरकारी आदेश बल ग्राम पंचायत सभ्य मान द्वारा
आमे तांकर क्षमता को हटाई पारिबा बुझेला एटा सुनला हमरो ग्राम पंचायत एबे आमे जेबा कोठीके पंचायत समिति कोन बुझेला पंचायत समिति जोडा के हमरो ब्लॉक स्तर रे गोटे जिल्ला रे परस्पर निकट रे थिबा केतोटी ग्राम पंचायत को नै गोटे गोष्ठी उन्नयन ब्लॉक गठन करा जाय थे एही गोष्ठी उन्नयन ब्लॉक कार्य परिचालना करबा पई गोटे सभा गठन करा जाय थे एही सभा को कोन कहा जाय ना पले माने पंचायत समिति कहती बुझेला यह पंचायत राजर द्वितीय सोपान अटे देखो किसी पंचायत को लेकिन कौन आम गठित सभा को पंचायत को लेकिन गठित आम पंचायत समिति बुझेला जो थे कि कौन करा जाए ना गोटे गोष्ठी ये परिचालन करने गोटे सभा गठन करा जाए यही सभा को पंचायत समिति कहती देखिबा साबालक भोट प्रथा माध्यम रे प्रत्येक पंचायत रु पंचायत समिति पई जणे लेखन सभ्य ओ सभ्य निर्वाचित होइथांति एमानुकु समिति सभ्य कहा जाय एही सभ्य आ सभ्य मानक मधुर हरिजन आदिवासी ओ महिला सभ्य आ सभ्य माने आनुपातिक दृष्टि रे रहिथांति बुझला एथिरे सेम परिमाण रे रहिथांति जोटिक हमर हरिजन हेले आदिवासी महिला सभ्य एवं सभ्य माने मध्य कौन सेम नंबर रे अनुपात रे रही था बुझला तांकर पंचायत समिति मुख्य किए हे ना समिति सभ्य ओडिशा रे 314 टी पंचायत समिति अछि गोटिया पंचायत समिति 5 वर्ष पई निर्वाचित होइ थांती बुझला सरपंच मध्ये 5 वर्ष एवं समिति सभ्य मध्ये हमर 5 वर्ष प्रत्येक 2 मास रे थे पंचायत समिति बैठक बसी थाय बुझला पंचायत समिति के केते बसी थाय ना प्रत्येक 2 मास रे थोरे और ग्राम पंचायत रो जोटा सभा बस थाए केते सारा ना वर्ष को दुई थर बस थाए हो ना नहीं ये 2 मास को थोरे बस थाए आप देखिबा पंचायत समिति रो कार्य कोन आमे देखिबा बुझला पंचायत समिति रो कार्य सरकार विभिन्न उन्नयन कार्यक्रम गुड़िक पंचायत लोक मानक सहज रे सहयोग रे कार्यकारी करबा पंचायत समिति बैठक में गृहत प्रस्ताव गुड़िक कार्यकारी करने व्यवस्था करेंगे मैंने पंचायत समिति में जो कार्यगुड़ गृहत हो कार्यकारी करवा ग्राम पंचायत गुड़िकर वार्षिक आय व्यय अटकल जोटा कि बजेट प्रस्तुत करने कहार काम ना पंचायत समितर काम बुझेगा ग्राम पंचायत बजेट वितरण करवा आकलन करवा कहार काम पंचायत समितर काम तेनाली जावा ग्राम सेवक सॉरी ब्लॉक स्तरीय समस्त योजना प्रणयन करिवा ओ उन्नयन कार्यगुड़ी प्रति दृष्टि देवा एवं पंचायत गुड़िकर कार्य को नियंत्रण करिवा पंचायत क्या अंडर रे अछि पंचायत समिति अंडर रे अछि तेणु तार कार्य मध्ये नियंत्रण करिवा बुझला सेटा पंचायत समितिर कार्य देन आम जीवा ग्राम सेवक तांको कार्य ग्राम सेवक थांती कोन नै सरकारकर उन्नयन कार्य सह लोक मानक घनिष्ठ भाव में संपुक्त करवा उद्देश्य ग्राम पंचायत मानक जन ग्राम सेवक निजुक्त पाई प्रत्येक ग्राम पंचायत ग्राम सेवक था ब्लॉक और जनसाधारण मध्य सेतु भाई कार्य कर बुझेगा से आम लोक मितर आमर ब्लॉक भितर बुझेगा आमर जहाँ आम परस्पर भितर संपर्क किए ना ग्राम सेवक ही तुल आमर जहाँ प्रोब्लेम आम ग्राम सेवक थ्रु रे कहा जनवा ब्लक को जनवा एवं ब्लक जहाँ निर्देश देवे ग्राम सेवक द्वारा आम लोक मानक आसो परामर्श दे था ठीक अच्छे तापर पे ब्लक ब्लक हेड किए देखा आम ब्लक उन्नयन अधिकारी जोटा कि आम कौन कहू पीडीओ ठीक अच्छे ब्लक डेवलपमेंट अफिसर ब्लक उन्नयन अधिकारी जड़े सरकारी कर्मचारी अन्य ब्लक विभिन्न उन्नयनमूलक कार्य तदारख करने सरकार निजुक्त करीन समवाय मत्स्यचाष शिक्षा कृषि निर्माण सामाजिक गठन इत्यादि विषय पर जड़े लेखाएं विशेषज्ञ और अन्य कर्मचारी निजुक्त पाई से लोक मानक निजे निजर विषय विशेष परामर्श दिखती ठीक अच्छे ये हूँ ब्लक उन्नयन अधिकारी देन कौन आम देखा पंचायत समितर आय कम देखिए पंचायत समिति आय निजस्व आय न थाए बुझेगा विभिन्न उन्नयन कार्य करने समस्त अर्थ सरकार मिली थाए ठीक अच्छे यार कौन सी निजस्व आय ना जितकी भी कम है सब सरकार ही पेमेंट कर बुझेगा देन आम जी कौटिकी जिला परिषद बुझेगा
आमर पंचायत समिति सरला जिला परिषद ओ तार गठन केमती आम देखा है ला? पंचायत समितिर सभ्य माने जिला भितर जिला परिषद सदस्य होती जिलार विधानसभा सदस्य लोकसभा सदस्य और राज्यसभा सदस्य परिषद सभ्य होती बुझला आदिवासी हरिजन और महिला सदस्य मान स्वतंत्र आसन संरक्षण होते केतेक राज्य परिषद सदस्य मानू लोक मैंने सीधा सड़क निर्वाचित करते आ जिला परिषद कार्यकाल कत वर्ष 5 वर्ष बुझेगा जिला परिषद कार्य कौन कौन रुहे ना जिला स्तरीय योजना जहाँ प्रस्तुत करा जाए से जिला परिषद द्वारा होता है और पंचायत समिति और ग्राम पंचायत गुड़िकर अनुदान प्रदान किए कहते ना जिला परिषद करते ठीक अच्छे जिला मध्य शिक्षानुष्ठान सर्वसाधारण पाठागार और जनमंगल संस्था को आर्थिक सहायक मंजूर करने सहित कौन कर कृषि शिल्प सामाजिक वनीकरण पशुपालन समवाय एवं ग्राम विद्युतीकरण युद्ध जलसेचन योजना प्राथमिक माध्यमिक और पौरशिक्षार उन्नति क्या द्वारा करते ना पे जिला परिषद ठीक अच्छे जिला परिषद कार्य बुझेगा जिला परिषद आय केमती ना जिला परिषद सरकारी अनुदान उपर निर्भर कै बुझेगा यार निजस्व आय न था ये सरकारी अनुदान उपर निर्भर कै केतेक जिला परिषद विभिन्न कर आदाय करुवा बेले अन्य केतेक किसी रहा घर दुकान घर आदि भड़ा सूत्र अर्थ पाई बुझेगा देखा सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था कौन एटा ग्रामांचल सरला एमें जीवा सहरांचल को ठीक अच्छे ठीक से सहरांचल के भाग में विभक्त करते तीन भाग में विभक्त करते कौन कौन आ महानगर निगम निगम पौरपालिका एवं विज्ञापित अंचल परिषद बुझेगा म्युनिसिपैलिटी एनएससी और महानगर निगम फास्ट आम देखा महानगर निगम कौन बुझेगा महानगर निगम आम क्या कह पे मन रख सहरांचल को आसे है ग्रामांचल सरला फास्ट पॉइंट है 10 लक्ष रु अधिक लोक बास कर महानगर निगम गठन करा जाए नगर को विभिन्न वार्ड में भाग करा जाए जड़े लेखाएं प्रतिनिधि सावल को भोट जरिया प्रति वार्ड रु निगम परिषद को निर्वाचित हमारी कौन कह जाए कॉर्पोरेटर ठीक अच्छे को कौन कह कॉर्पोरेटर कह जाए नेक्स्ट पॉइंट था कॉर्पोरेटर मध्य केतेक सभ्य पद आदिवासी महिला और हरिजन मान संरक्षित व्यवस्था अच्छी निगम प्रतिनिधि मैंने जड़े मेयर आउ जन को डेपुटी मेयर भाव निर्वाचित करते बुझेगा निगम जो प्रतिनिधि मैंने मध्य जन को कौन मेयर आउ जन को डेपुटी मेयर भाव में निर्वाचन करेंगे से मेयर निगम मुख्य अटंती से निगम परिषद रे अध्यक्षता करते आउ निगम कमिशनर और सरकार को मध्य से जोगसूत्र रक्षा करेंगे बुझेगा निगम कमिशनर और सरकार को मध्य कौन से टाइप राम करेंगे बुझेगा जमी आम किए थे ग्राम सेवक जमी बुझेगा ग्राम सेवक पी ये मेयर मध्य काम से करते अनुपस्थित डेपुटी मेयर कार्य संपादन करते हैं हाँ ना मेयर जब अनुपस्थित थे डेपुटी मेयर से कार्य करेंगे तपर महानगर निगम कार्य आम देखा ये बुझेगा महानगर निगम कार्य हूँ दुई प्रकार जोटा कि आम जाने बाध्यतामूलक इच्छाधीन कार्य हाँ ना बाध्यतामूलक कौन कौन जीवना पानी टांकी निर्माण और यार रक्षणाबेक्षण करने बिजुली जोगाण और रास्ता विद्युतकरण जनस्वास्थ्य विकास अलिया आवर्जना सफा नाल नर्दमा निर्माण और रक्षणाबेक्षण संक्रामक रोग नियंत्रण हाँ ना रास्ताघाट और पोल निर्माण मरामती रक्षणाबेक्षण जानवाहन चलाचल नियंत्रण डाक्तरखाना मातृमंगल और शिशुमंगल कार्यस्थापन रक्षणाबेक्षण टीकादान सर्वसाधारण पाठागार जादुगर एवं पार्क निर्माण यहाँ हूँ आम बाध्यतामूलक कार्य बुझेगा महानगर निगम इच्छा दिन कौन विश्राम गृह अनाथाश्रम एवं परिचालना करवा पथपार्श्व वृक्षरोपण और सामाजिक वनीकरण सहर समस्त कोठाबाड़ी सर्वे यही रही है महानिगम गोटे बाध्यतामूलक कार्य एवं इच्छाधीन कार्य बुझेगा तापर देखा महानगर निगम आय आम कमी हुए बुझेगा इनकम कौन फास्ट पॉइंट टिकस आय होता है बुझेगा
जानवाहन और विभिन्न प्राणी मान टिकस आदाय कराए संपत्ति कर प्रमोद कर एवं शिक्षा कर एवं वृत्ति कर इत्यादि आमर जो पार्क है कि टोल फ्री गेट है बुझेगा एगुड़ाक जो पैसा जाता कौन महानगर निगम को जाए तापर अण टिकस आय जोटा कि कोठाबाड़ी उपर कर लाइसेंस फी जोगाजोग प्रभृति यू जो आय होने कह अण टिकस आय तापर कौन लाभजनक व्यवसाय जोटा कि गोपालन कुकुड़ा पालन सिनेमा थिएटर प्रभृति वाणिज्य रु जोटा जो पैसा आदाय होता महानगर निगम तापर सरकारी अनुदान जोटा सरकार विभिन्न समय अनुदान दे था यहीटा सरकारी अनुदान तो निश्चित भाव में रुझेगा तो ये रहा निजस्व आय यहाँ रोज आईटा रोज सरकारी आय जोटा महानगर निगम आय आम देखिपारे आम जा पौरपाड़िका नगरपाड़िका आम क्या कह बुझेगा एक लक्ष रु अधिक लोक बास करुवा सहर में पौरपाड़िका गठित होता है बुझेगा एक लक्ष रु अधिक लोक सहर टी कतेक वार्ड विभक्त कर प्रत्येक वार्ड रु जड़े वार्ड सभ्य बा काउनसिलर निर्वाचित हूँ बुझेगा काउनसिलर निर्वाचित होते यही काउनसिलर मान एक तृतीयांश महिला मानी संरक्षित रही बुझेगा रिजर्वेशन रही वनथार्ड के महिला मानी हरिजन और आदिवासी मान संख्या अनुपात में काउनसिलर स्थान संरक्षित होता है निर्वाचित काउनसिलर मैंने निज भितर जड़े चेयरमैन आउ जन को वाइस चेयरमैन भाव में निर्वाचित करते हैं बुझेगा जो निर्वाचित काउनसिलर मैंने थे से मध्य जो चेयरमैन आउ जन को वाइस चेयरमैन भाव से निर्वाचित करते चेयरमैन सभार अध्यक्षता करुपस्थित वाइस चेयरमैन कार्य चलेंगे तो आम राज्य में 35 पौर संस्था व पौरपाड़िका अच्छी ठीक अच्छे ओडिशारे कतोटी 35 रही पौरपाड़िका पौरपाड़िकार कार्य कौन पौरपाड़िकार कार्य को दुई भाग विभक्त करोटा कि बाध्यतामूलक इच्छाधीन बाध्यतामूलक कार्य कौन कौन जब ना गमनागमन रास्ता निर्माण रक्षणाबेक्षण पानी जल जोगाण निष्कासन आलोक व्यवस्था संक्रामक रोग निराकरण प्रतिरोधक व्यवस्था आवर्जना निष्कासन और कंपोस्ट खत खनन प्राथमिक शिक्षार प्रसार विद्यालय गृह निर्माण एवं जन्म मृत्युर पंजीकरण बुझेगा और इच्छाधीन कार्य कौन जब ना गृह निर्माण टाउन बस प्रचलन नेक्स्ट पॉइंट रहा आमोद प्रमोद पार्क या थिएटर और क्रीड़ा व्यवस्था सिनेमा गृह स्थापन करने जनगणना हाट बजार पाठागार स्थापन करवा यहाँ हूँ आम इच्छाधीन कार्य पौरपाड़िकार बुझेगा नेक्स्ट पौरपाड़िकार आय कौट हुए पौरपाड़िका तार आयु दुईट उपाय अर्थ पाई है जोटा कि निजस्व आय सरकारी अनुदान निजस्व आय कौन कौन जब ना पे निजस्व आय जीव पौरपाड़िका अंतर्गत जमी घर कोठाबाड़ी इत्यादि उपरे कर धार्य कर अर्थ पाई है हाँ ना पौरपाड़िका आम जो रही आम सहरा जो जमी घर कोठाबाड़ी एगुड़ी कर आम दे टैक्स हाँ ना पुण्यकर पायखाना आलोक आलोक एवं जलकर व्यवसाय और प्रमोदकर आदाय करें जानवाहन जथा सैकेल रिक्सा शगड़ गाड़ी ट्रली गाड़ी इत्यादि उपर टिकस आदाय होता है यहाँ रही आम निजस्व आय सरकारी अनुदान कौन सरकार पौरपाड़िकार उन्नतिमूलक कार्य में विभिन्न समय विभिन्न प्रकार अनुदान देवा संगे संगे ऋण जोगे था ठीक अच्छे सरकार पौरपाड़िका कि फंड दे था देन आम देखा कौन विज्ञापित अंचल परिषद विज्ञापित अंचल परिषद आम देखा जो छोट सहर लोकसंख्या 10,000 रु अधिक सेठे विज्ञापित अंचल परिषद बा एनएससी गठित होता है बुझेगा जो गोटे छोट सहर जार लोकसंख्या 10,000 रु अधिक ताको आम कौन विज्ञापित अंचल परिषद बा एनएससी आम कह ठीक अच्छे विज्ञापित अंचल परिषद गठन और कार्य पौरपाड़िकार गठन और कार्यपरी होता है ओडिशा केतोटी पिला मैंने 66 आमर अच्छे कौन विज्ञापित परिषद अंचल एनएससी बुझेगा मन रहा वीडियो जो पसंद आस पा मैंने गोटे गोटे लाइक कर देकि शेयर कर दिया सांग मान सहित आउ पीडीएफ जो दरकार आपने टेलीग्राम रे जॉइन कर जानतु टेलीग्राम रे यही पीडीएफ सहित आहरी अनेक इंपोर्टेंट पीडीएफ गुड़ाक शेयर होकर एग्जाम दृष्टि बहुत ही हेल्पफुल रोज ठीक अच्छे पाला देख एवं जी पढ़े एवं किसी इंपोर्टेंट पॉइंट आम डिस्कसन करवा यहाँ मन देखिए शुण जनगोष्ठी निजक निजे शासन करने को आम कहते स्वायत्त शासन व्यवस्था है ना जनगोष्ठी आम निजे निजी शासन करने को
नेक्स्ट पॉइंट है स्वायत्त शासन जरिया विभिन्न योजना करा जाए सरकार को प्रस्ताव दिया जाए थे। स्वायत्त शासन संस्था द्वारा सरकार विभिन्न जनहितकारी योजना कार्यकारी कर जनसाधारण अनेक उन्नति साधन कर। पंचायतराज शासन व्यवस्था द्वारा राज्य में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था प्रचलित हो बुझेगा। पंचायतराज द्वारा त्रिस्तरीय राज्य में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था रही। स्थानीय स्वायत्त शासन व्यवस्था को दुई भाग में विभक्त कर बुझेगा, जोटा कि ग्रामांचल स्वायत्त शासन सहरांचल स्वायत्त शासन बुझेगा। ग्राम पंचायत पंचायत समिति जिला परिषद इटा कौथे जीव ना ग्रामांचल स्वायत्त शासन में बुझेगा। आ महानगर निगम पौरपालिका विज्ञापित अंचल परिषद यहीटा जीव आमर कार सहरांचल स्वायत्त शासन व्यवस्था। नेक्स्ट पॉइंट देखा ग्राम पंचायत मुख्य किए सरपंच से लोक मान द्वारा प्रत्येक भाव में निर्वाचित होती हाँ ना भोटर डायरेक्ट भोट देखिए जयुक्त करते। ग्राम पंचायत दुई प्रकार कार्य गोटे बाध्यतामूलक अंटी इच्छाधीन कार्य। पंचायत समिति मुख्य किए चेयरमैन बा अध्यक्ष आम जहाँ कह बुझेगा। पंचायत समिति मुख्य होती चेयरमैन से लोक मान द्वारा परोक्ष भाव में निर्वाचित होता डायरेक्ट लोक मैंने को सरपंच और वार्डर किसी लोक बुझेगा। देन जिला स्तर में किए जिला परिषद गठन कर जिला परिषद मुख्य को कौन कह सभापति अध्यक्ष कह जाए से लोक द्वारा परोक्ष भाव में निर्वाचित होता। महानगर निगम मुख्य को कौन कह महानगर मुख्य को मेयर कह पौरपालिका और विज्ञापित परिषद मुख्य को चेयरमैन कह नहीं यही संस्थार मुख्य मैंने जनसाधारण द्वारा परोक्ष भाव निर्वाचित होता। महानगर निगम पौरपालिका विज्ञापित अंचल परिषद सहरांचल जनसाधारण बहु उन्नति कार्य बुझेगा। पे आज क्लास क्लास टी कमी लगेगा निश्चित भाव में आप कमेंट्रे जुड़ु आ रही आम तीन टा क्लास आम कभर करवा बुझेगा। केन्द्र सरकार राज्य सरकार आम नेक्स्ट क्लास पढ़ा बुझेगा। भिडियो जब पसंद आसला लाइक गोटे गोटे कर दिव सांग सहित सेयार कर दि। निश्चित भाव में आम ओटीईटी और जो आम रहा कौन रेगुलर हाई स्कूल टीचर जोटा कि 30 मार्क कर देती जीएस पार्ट जनरल साइंस पार्ट को से मिनिमम तो 5-7 मार्क आम पॉलिटी को निश्चित भाव में आसो तो पॉलिटी आम ये कवर करदे आन टा क्लास कवर हो। पीडीएफ जदि दरकार आपण मैंने टेलीग्राम जॉइन करूँ लिंक पाइज डिस्क्रिप्शन बुझेगा। चैनल को यदि सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दिंतु। पुणी देखा नेक्स्ट क्लास में वीडियो देखिए धन्यवाद। थैंक यू।